यूपीएससी। देखो यूपीएससी की तैयारी तो टफ है, और टफ का मतलब ये होता है कि वो टफ दो रीजन की वजह से, टफ वो दो रीजन की इस वजह से है कि हमें डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और जो पढ़ना है वो बहुत दिन तक पढ़ना है। सिर्फ दो ही रीजन है जिसकी वजह से टफ है, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत दिन तक पढ़ना है, और जो हम पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे वो बहुत ज़्यादा है। तो तुम्हें काम क्या करना है, तुम्हें काम बस इतना सा करना है कि अगर तुम छोटे छोटे डिसीजन लेने में डरते हो, तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें तुम्हें हमेशा डाउट रहता है, या फिर तुम, हम यूपीएससी को साइड में रखते हैं, अगर तुम किसी भी छोटी प्रॉब्लम में फंस रहे हो, तुम बहुत जल्दी डर जा रहे हो, समझना मेरी बात, बहुत डीप चीज़ें हैं ये, यूपीएससी में बहुत काम आएंगे, हम तो कह रहे हैं मेरी बात है सिलेबस में भी मिला देनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ ये कह रहे थे हम कि अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों पे डर जाते हो, छोटे छोटे डिसीजन तुम लेने में डरते हो, या फिर तुम्हारे सामने जरा सी प्रॉब्लम आई नहीं कि तुम सिस्टम तुम्हारा फेल हो जाता है, तो इस कंडीशन पे यूपीएससी तुम्हारे लिए नहीं बना है। क्योंकि अगर मान लो आज तुमने रट्टा मार के 6 साल लगा के घिस घिस के तुमने कैसे भी करके यूपीएससी क्रैक कर लिया, तो जब तुम उस ऑफिस में बैठे होगे तब ऑफिस में ही इतना लोड होता है कि भाई तुम नहीं झेल पाओगे फिर, और फिर झेल नहीं पाओगे तो हमने कितने देखे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, हमने कितने देखे जो सुसाइड कर चुके हैं। तो ये तुम ये मत समझो कि यूपीएससी निकालने के बाद तुम्हारी लाइफ सिर्फ एंट्री और एग्जिट वाली होती है, कि रॉयल एंट्री क्योंकि यूट्यूब पे और उसमें वही चलता है, वो नहीं होता है। और आईएएस आईपीएस जो मेन होते हैं उनको मतलब भी नहीं होता उन सब चीज़ों से, लेकिन जो अंदर चेयर पर तुम बैठ के जो लोड झेलते हो, वो अगर झेलने की क्षमता नहीं है तब तुम यूपीएससी करो भी मत, क्योंकि तुम्हारे बस का है नहीं। यूपीएससी इसीलिए कहा जाता है कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि यूपीएससी क्या बनाता है, यूपीएससी बनाता है डीएम, और हो सकता है वही डीएम किसी बड़े अपने मंत्रालय को संभाल लें आगे चल के, हो सकता है वही एसपी किसी कानून मंत्री आगे चल के बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यही जो होते हैं, यही जो होते हैं यूपीएससी क्रैक करके निकलते हैं, यही तो आगे चल के देश चलाते हैं, और कोई और कौन सा कोई जन्म लेता है, नेता है तो मान लो चुन के चलेगा ठीक है, लेकिन यही लोग तो हैं जो पार्टियों में भी शामिल होते हैं। तो इसलिए यूपीएससी कभी भी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं होती है, यूपीएससी उनके लिए है जो वाकई में हर चीज़ में डेयरिंग है, उनको अपने डिसीजन लेने पता है, उनको अपनी बातचीत पता है, इसीलिए इंटरव्यू में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि तुम्हारी डेयरिंग क्या है उसमें, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों पूछते हैं, वो इसीलिए पूछते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी दम है, क्योंकि अगर तुम्हारा कमजोर दिल है तो तुम्हारे मोहल्ले में इलाके में कहीं दंगा हो गया जहां पे तुम डिप्लॉय किए गए हो, तो उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, तुम तो डर गए, तुमसे तो कुछ होना नहीं है फिर, तो उसके बाद फिर तो चीजें अस्त व्यस्त हो जानी है। तो जिला किसी ऐसे को हाथ में नहीं दिया जाता है कभी, क्योंकि वहां जो बोर्ड में बैठे हैं वो बहुत हायर हैं एकदम, उनको वो 3600 को लगा चुके हैं इस काम में, तो उनको पता है उनको कैसे चीजें हैंडल करनी है। इसलिए जब भी तुम यूपीएससी क्रैक करने जाते हो पहले ये देखो खुद में तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें डिमांड होती है यूपीएससी की, और यही छोटी छोटी चीज़ें नहीं फोकस करता है आदमी, इसीलिए कहा जाता है जब यूपीएससी महेंद्र धोनी जैसे लोगों का निकलता है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि कब स्ट्रॉन्ग लाना है, कब काम रहना है, सब कुछ उनको पता है, उनके हाथ में सारी सिचुएशन है। तो इस वजह से यूपीएससी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, कमजोर अगर है हृदय तुम्हारा तो एसएससी से कोई पोस्ट ले लो, आराम से ऑफिस में बैठ के काम कर लो, कोई लोड नहीं रहता है। राम राम, जय हिंद।